विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा तृतीया के विषय वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना पहला अध्याय है सूत्र एकाधिकेण पूर्वेण। एकाधिकेण पूर्वेण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एकाधिक और दूसरा है पूर्व या पूर्वेण। और जिसके एकाधिकार एक अधिक पूरे अर्थ है से पहले, इस पूरे शब्द का अर्थ हो गया से पहले एक अधिक। आज हम एकाधिक के बारे में अध्ययन करेंगे, पूर्वेण के बारे में अगले दिन हम अभ्यास करेंगे। एकाधिक का अर्थ एक अधिक, किसी भी संख्या का एक अधिक एकाधिक कहलाता है। जैसा कि दिया हुआ है पांच का एकाधिक छह, तीन का एकाधिक तीन प्लस एक चार, सात का एकाधिक सात प्लस एक आठ। इस प्रकार एकाधिक का अर्थ किसी भी संख्या में एक जोड़ना, यानी उस संख्या को एक बढ़ाना एकाधिक कहलाता है। जिस संख्या का एकाधिक करना होता है, जैसा कि अभी बताया आठ एकाधिक करना, तो जिस संख्या का एकाधिक करना होता है उस संख्या के ऊपर एक बिंदु के रूप में हम एकाधिक चिन्ह को लगाते हैं, वो बिंदु रूप में लगाते हैं, उसको एकाधिक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आठ का एकाधिक करना है, आठ के ऊपर एक एकाधिक चिन्ह जिसको बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है और नवीन मान याद किया जाता है, जैसे आठ प्लस एक बराबर नौ हो जाएगा। यानी आपके ध्यान में आ गया एकाधिक का अर्थ किसी भी संख्या का एक अधिक करना, और जो एकाधिक के रूप में हम एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं उसको एकाधिक चिन्ह बोलते हैं। जैसा कि दर्शाया हुआ है आठ, आठ का एकाधिक यानी आठ के ऊपर एक बिंदु लगाया और आठ प्लस एक नौ हो गया। जिस संख्या का एकाधिक ज्ञान करना होता है उस संख्या के इकाई अंक का एकाधिक किया जाता है। जैसे कि दो अंकों की संख्या है, जैसे पैंतीस में आपने बताया पांच, तो अपने उसी का ध्यान में है कि पांच का एकाधिक करना है। यदि सीधा पैंतीस पांच का एकाधिक यानी छत्तीस, यदि सीधी ऐसी संख्या दी हुई है जैसे पैंतालीस का एकाधिक, अब आपके ध्यान में आता है कि दो संख्या है एकाधिक किसका करना, चार का करना पांच का करना। ऐसी स्थिति में एकाधिक हमेशा इकाई अंक का होता है, तो पैंतालीस में पांच इकाई है तो पांच का एकाधिक करेंगे, और पैंतालीस में एक जोड़ेंगे तब छियालीस हो जाएगा, छियालीस हो जाएगा नवीन मान याद हो जाएगा। तो आपके ध्यान में आ गया होगा एकाधिक का अर्थ किसी भी संख्या का एक अधिक करना, और एकाधिक ज्ञान करने के लिए इकाई अंक का एक अधिक किया जाता है। इतनी बड़ी संख्या होगी इकाई अंक का एक अधिक करके जो नवीन संख्या हम याद करते हैं तो पुरानी संख्या में प्लस एक करके और नवीन संख्या का मान याद करते हैं। आज अपन कुछ गृह कार्य उन्होंने तो आपको घर पे करना है, और कुछ मैं कल आपको बताऊंगा उसके अनुरूप आपको करना है। और अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय है उसमें एकाधिक पूर्ण उस चैप्टर में अभ्यास वाला एक। जैसा संख्या है छह का एकाधिक करना है, और छह का एकाधिक एकाधिक को अपने बिंदु के रूप में दर्शाते हैं और नवीन संख्या हो जाती है छह में एक जोड़ने पर सात। दूसरा जीरो का एकाधिक चिन्ह लगाएंगे फिर जीरो प्लस एक एक होता है, जीरो का एकाधिक करने पर उसका मान एक आएगा। इसी प्रकार तीसरा
चौथा ये आपको तो करना है, नौ का, ग्यारह का, फिर पांचवा, इसमें है 32 का एकाधिक। जैसा कि पूर्व में बताया है कि दो अंकों की संख्या होती है तो एकाधिक इकाई अंक होता है, 32 में दो का, और फिर नवीन मान आ जाएगा ये प्लस होकर के 33। छठा आपको करना है 54 का एकाधिक, सात, 56 में, 56 में पांच। जैसा कि सीधे कोई संख्या दी हुई है 56 एकाधिक करना है तो इकाई अंक का एकाधिक होगा। अगर ये बताया हुआ है 56 में पांच का एकाधिक करना है तो फिर उसी जिस अंक का बताया उसी का एकाधिक करना है। 56 में पांच का एकाधिक करेंगे तो इसका नवीन मान 66 हो जाएगा। आठवां, फिर 263 में दो का, 263 में दो का, दो का एकाधिक हो जाएगा 363। इस प्रकार ये व्यास वाला प्रथम आपको करना है और एकाधिक करके नवीन मान याद करना है। पर अपन अगला अध्याय है जो पूर्व दो शब्द है एकाधिक और पूर्व, आज अपन एकाधिक के बारे में अध्ययन किया और कल अपन पूर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।